हेलो एंड नमस्कार गाइस, वेलकम वेलकम। आप देख रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो गाइस। तो 18 तारीख है, दोपहर के 3 बज रहे हैं, लाइव है ना, लाइव है। और ये वीडियो मैं आपको मार्केट बंद हो जाने से पहले दे देना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 1000 लाइक मिनिमम के टारगेट रखता हूँ, निवेदन करता हूँ, करता पूरा करेंगे। कल के दिन BTST दे रहा हूँ, कल के लिए BTST दे रहा हूँ। कल रात की लाइव स्ट्रीमिंग में ही बोल दिया था मैंने कि मंडे के दिन ज्यादा कुछ नहीं करना है, मार्केट नेगेटिव ही रहेगा, और वैसा ही दिन भर रहा है अभी तक। ध्यान से देख लीजिए, 237 अंक नीचे है, बैंक निफ्टी 280 अंक था, अभी नीचे 300 अंक था, और तकरीबन निफ्टी भी फ्लैटिश ही कारोबार करता रहा। कल ये बात हो चुकी थी हमारी ऑलरेडी, हमने पहले ही बोल दिया था कि इस प्रकार का मार्केट रह सकता है, आज ज्यादा कुछ नहीं करना था कल, मगर बड़ा एक्शन होगा, BTST होगा, गैप अप होगा। और ये क्यों होगा इसका एक कारण बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसा डीपली इंपैक्टिव वीडियो, और इसका भी कारण मैं पहले ही बता चुका हूँ, संडे लाइव स्ट्रीमिंग में बता चुका हूँ कि ट्यूजडे के दिन क्या इंपैक्ट हो सकता है और क्यों इंपैक्ट हो सकता है, इसका भी कारण बता चुका हूँ पहले ही। यकीन नहीं आता तो जाके लाइव स्ट्रीमिंग में जाके देख लेना, कल की लाइव स्ट्रीमिंग में जाके चेक कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट हम एनालिसिस कर देते हैं, और डेली चार्ट की कैंडल जो देखिए इनसाइड बार कैंडल जैसी दिखाई दे रही है फिलहाल के लिए 3 बजे के आसपास के क्षेत्र में, और कंडीशन एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है मुझे, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि मोर देन नंबर दिखाई देता है 47740 का, एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो कि नियरेस्ट सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, 47780 का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। कल मार्केट गैप अप जाने का एक चांस है, वो क्यों चांस है ये कारण बताता हूँ। सबसे पहला कारण है कि आज क्लोजिंग इसी लेवल के आसपास हो सकती है, मोर देन इसी लेवल के आसपास ही तकरीबन दिखाई दे सकता है, तो तकरीबन यहाँ पर मुझे लगता है कि कल गैप अप क्यों जा सकता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कल के लिए दिन का सीनेरियो जो तय कर रहा है, कल ग्लोबल मार्केट में एक एक्शन है, कल ग्लोबल मार्केट का एक इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है बट उसके लिए हम कवर करेंगे। सबसे पहले देखो मैं आपको बता रहा हूँ 19 दिसंबर का दिन कैलेंडर बता रहा हूं, और यहां पर एक बहुत बड़ा एक्शन दिखाई देगा सुबह 6 बजे का, नोट डाउन कीजिएगा, कल सुबह सुबह 6 बजे एक्शन हो सकता है। कहां पर नोट डाउन कीजिएगा, सुबह 6 AM नोट डाउन कीजिए, सुबह 6 बजे मॉनेटरी पॉलिसी है, मिनट्स है किसके, AUD ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के, नोट डाउन कीजिएगा ऑस्ट्रेलिया के AUD के, देखा रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एक तो ये एक्शन आ सकता है यहां पर। सेकेंडरी एक्शन आ सकता है टेंटेटिव, तकरीबन 6 बजे ही आएगा मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट किसका, JPY का, जापान का आने वाला, विश्व की थर्ड लार्जेस्ट इंपैक्टिव इकोनॉमी है, इसका भी आ सकता है। बैंक ऑफ जापान रेट कट पॉलिसी, बैंक ऑफ जापान प्रेस कॉन्फ्रेंस, सब कुछ होगा तकरीबन सुबह 6 बजे। तो मतलब मार्केट एक्शन दिखा सकता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी एक्शन दिखा सकता है रात में, सुबह सुबह हो सकता है डाउ जोन्स भी एक्शन दिखा सकता है, रात भर शायद कुछ भी ना हो, आप लोगों को ज्यादा मोमेंटम देखने को ना मिले डाउ जोन्स की तरफ से भी, ये भी हो सकता है कि डाउ जोन्स आपको दिन रात भर कुछ ना दिखाए और सुबह सुबह एक बड़ा एक्शन दिखा दे कि हो सकता है। एंड GBP 10 ईयर पॉलिसी दिखाई देती है इसके कारण मुझे, और सेकेंडरी कंडीशन रात को कैनेडियन CPI डेटा दिखाई देते हैं, और रात को USD डेटा दिखाई देते हैं, इस वजह से भी तकरीबन मार्केट में वोलेटिलिटी एक्शन दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी कितना गैप अप जा सकता है, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल बता रही थी, AI ने बोला था कि मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, बट मैंने एक ही चीज बोली थी, गलती से भी बेचना मत, मैंने मना किया था सेलिंग मत करना, इस तो मार्केट में बेकार है सेलिंग करना, मैंने किसी को भी पुट ऑप्शन रिकमेंडेशन नहीं किया। इन द केसेस हमने बोला था कि बैंक निफ्टी आप सेल कर सकते हो बट ऑप्शन सेल नहीं कर सकते, पुट ऑप्शन नहीं ले सकते थे, कोई भी पुट ऑप्शन रिकमेंडेशन नहीं किया था। मुझे लगता है कि मार्केट एक कंसोलिडेटेड रेंज बनाना चाहता, कल के दिन गैप अप ओपनिंग मिल सकती है इस रेंज के लिए, मोर देन 300 पॉइंट्स के लिए गैप अप, तकरीबन 300 पॉइंट्स का गैप अप तकरीबन देखने को मिल सकता है, मतलब ऑल टाइम हाई के करीब करीब की ओपनिंग देखने को मिल सकती है, और जिस तरीके का सिमेट्रिकल पैटर्न बनता आ रहा है वो कंटिन्यू रहा दिखाई देता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 48,100 या 200, सॉरी 200 का लेवल जहाँ की एक इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, जहां पर एक मार्केट इस तरीके का गैप अप दे सकता है, 180 या 140, सॉरी 140 150 का एक लेवल दिखाई देता है जहां पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है एवरेजली, और नियरेस्ट इस नंबर के आसपास देखने को मिल सकती है, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बड़ा एक्शन भी होना चाहिए, बट मार्केट है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो गैप अप जाने का एक चांस बन सकता है। तो इसके लिए एक BTST लेना है, अब नोट डाउन करना, एक BTST 15:10 हो रही है लाइव, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पर नहीं डाली, किसी को भी नहीं पता, अभी BTST सेलेक्ट करते हैं।
गाइस ये हमारा IRCTC का कॉल ऑप्शन था एज पर द सिग्नल, इसके लुक एट दिस, हमारा सिग्नल था और इसके बाद भाग गया। अकॉर्डिंग टू सिग्नल था मात्र 37 रुपीज में खरीदना था IRCTC का स्टॉक ऑप्शन, एंड 78, 90 और आज 186 हो चुका है IRCTC। एक दिन में 13% का एक जंप देखने को मिला है हमारी एल्गोरिदम पर। ओके आगे बात करते हैं, और भी ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनका हमारी बहुत अच्छी पैनी नजर दिखाई देती है। मुझे लगता है कल खुलते से यदि मार्केट गैप अप खुले तो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यदि बनता हुआ मिले तो मैं ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करूंगा। 48,200 के लेवल को हो सकता है कि मार्केट ब्रीच करता हुआ निकल जाए ऊपर की तरफ, और कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाए आप लोगों को सपोर्टिंग स्ट्रक्चर पर, तो यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है। अगेन गैप अप ओपनिंग के लिए, मतलब यहाँ पर तकरीबन मुझे जो टारगेट लेके चल रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ 48,700 के टारगेट लेकर चल रहा हूँ। 1 से 2 दिनों के टारगेट हो सकते हैं, ये हो सकता है आप लोगों को 2 दिनों में टारगेट अचीव करता हुआ नजर आ सकता है। यही पर ही एक रुकावट आएगी तो मुझे बाय करना है तकरीबन 48,200 का कॉल ऑप्शन। देखो मैं आपके सामने निकाल लेता हूँ, 48,200 की CE है ना, 48,200 की CE, बट कौन सी वाली एक्सपायरी नोट डाउन करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूँ। मैंने सभी लोगों को कल भी बोला था कि मैं इस सीरीज की एक्सपायरी में किसी भी प्रकार के ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अगली वाली सीरीज में कर रहा हूँ। तो 48,200 के जो सी है वो तकरीबन मैं 28 जनवरी वाला कॉल ऑप्शन लूंगा, जो कि थोड़ा सा महंगा मिलेगा बट मुझे सेफ्टी का, सिक्योरिटी का एक रीजन दिखाई देता है यहाँ पर, क्योंकि टाइम वैल्यू और प्राइस वैल्यू के हिसाब से भी मुझे देखना पड़ेगा। क्योंकि यार थोड़ा सा भी डीके हुआ मार्केट, यदि गैप अप नहीं गया, गलती से भी नहीं गया, तो हमारे लिए सेफ्टी मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार से यह दिखाई दे रहा है, आवरली चार्ट स्ट्रक्चर में बाइंग का सिग्नल दिखाई दे रहा है, ऑलरेडी सेविंग है। एंड यहाँ पर भी 15 मिनट के चार्ट पर भी एक बार चेक कर लेते हैं तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन है, बट मुझे लगता है कि एक अच्छी डिसीजन मिलने के चांसेस है यहाँ पर तकरीबन बैंक निफ्टी की तरफ से भी। तो 48,200 की कॉल ऑप्शन फॉर अ BTST के लिए आउट ऑफ द मनी। यदि मैं इन द मनी लेने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा इन द केसेस इस वक्त, और मुझे ज्यादा मोमेंटम लगता है कि यहाँ पर टारगेट जो हो सकते हैं मार्केट में जो खुलेगा तकरीबन 300, मतलब ये जो 341 रुपए का करंटली प्राइस चल रहा है, और इसको क्लोजिंग लेवल जो मुझे लगता है गैप अप ओपनिंग का लेवल मिलता है, यदि राकेश जी गैप अप ओपनिंग आएगा तो कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेशन है तकरीबन 460 से लेकर 500 का एक लेवल दिखाई दे सकता है सीधा गैप अप ओपनिंग में। अब इसको मैं 3:20 पर मेरे टेलीग्राम चैनल पर डालने वाला हूँ, अभी डालने वाला, 3:20 पर डालने वाला हूँ, और ये वीडियो भी अपलोड कर देने वाला हूँ फटाफट। ओके बात करते हैं निफ्टी प्रेडिक्शन के टुमारो के बारे में।